हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं हूँ मनीष, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा 3D इफेक्ट स्टेटस वीडियो, तो फ्रेंड्स इस तरह के स्टेटस वीडियो आप भी बनाना चाहते हैं अपनी इमेज के साथ, तो फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इस एडिटिंग के लिए जो मटेरियल का यूज हुआ है, मतलब जो जिप फाइल का यूज हुआ है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो लिंक की मदद से आप ईजिली डाउनलोड कर पाएंगे इस जिप फाइल को। तो फ्रेंड्स डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद चलेंगे फ़ोन के स्क्रीन पर, ओपन करेंगे नोट वीडियो एप्लीकेशन को। और फ्रेंड्स नोट वीडियो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे एक नो दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे जो लोड प्रोजेक्ट जिप पे ऑप्शन आ रहा है, इस पर सिंपली आपको टैप करना है। फ्रेंड्स अगर इस प्रोसेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ सिंपली लोड प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपका जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो आप डाउनलोड किए हैं तो इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया दुर्गा मैया स्टेटस वीडियो 3D, ठीक है। तो इस पर आपको सिंपली टैप कर लेना है। जब इस पर आप टैप करेंगे तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ पर यह ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐड हो चुका है। अभी आपको सिंपली इस पर एक बार टैप कर देना है। ऑप्शन टैप करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा 100% तक, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 20 इमेज से यहाँ पर ऐड हुए हैं तो इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रुप का जो ऑप्शन देखते हैं, इस पर सिंपली टैप कर दीजिएगा। यहाँ पे जो पहले से ऑडियो दिया हुआ है तो अगर आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसे हटा सकते हैं। तो मैं आपको चलाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भोर भाई वाला जो एक सॉन्ग है ये अभी चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो इसी को मैंने यहाँ पे ऐड किया था। तो फ्रेंड्स इसे अगर आप ऐड डिलीट करना चाहते हो सिंपली 3 लाइन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। दूसरा जो ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए साइड में यहाँ पे जो प्लस का आइकन देख सकते हैं, इस पर सिंपली टैप कर लीजिएगा। टैप करने के बाद मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, नीचे आपको लोड फ्रॉम फाइल का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर सिंपली टैप कर लीजिएगा। टैप करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ऑडियो आपका जहाँ पर भी होगा उसे सिंपली सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे ऑडियो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर नवरात्रि दुर्गा माँ का जो स्टेटस है मैं इसे यहाँ पर सिंपली ऐड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सॉन्ग है ऐड हो चुका है। सॉन्ग यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पे दिखा रहा है, आप देख सकते हैं सॉन्ग जो है मेरा ये थोड़ा सा छोटा है यहाँ पे है, मतलब और जो भी पार्ट्स है और 29 सेकंड कुछ का था और यहाँ पे मेरा सॉन्ग थोड़ा छोटा है। तो अगर हम चाहे तो सभी को कट कर सकते हैं, फिर ऐसे भी रहने दे सकते हैं, बहुत कम यहाँ पे है, ठीक है। तो पहले हम अपनी इमेज यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे आगे एडिटिंग करेंगे। तो फिर थोड़ा आगे यहाँ पे आते हैं तो एक तो यहाँ पे जो मैया का ये वाला इमेज दिख रहा है, तो अगर आप यहाँ पे ये इमेज चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली इस साइड में आ जाइएगा। और फिर यहाँ पे आपको सिंपली ये वाला गॉड वन का जो है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने पर 3D लाइन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, इसे आप चेंज करके PNG में आपके पास जो भी इमेज होगा तो उसे यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। आपके पास जो भी होगा उसे आप लगा सकते हैं। सेकेंड वाला इमेज यहाँ पे आपको अपनी इमेज लगानी है, ठीक है। यहाँ पे वैसे लगा हुआ है मैया का इमेज ही मैंने लगा दिया था, ये वाला आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी इमेज लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3D लाइन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप अपने एल्बम में चले जाइएगा और फिर से यहाँ पे फोटो रूम, मतलब मैंने फोटो रूम की मदद से ही PNG बनाया है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। आपके पास जो भी होगा उसे आप सिंपली ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली इमेज को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा ये अपना इमेज है तो मैंने यहाँ पर इसे ले लिया, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। अभी आपको इसे एडजस्ट करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, तो आप इस टूल्स की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसे छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने काफ़ी छोटा कर दिया। अब इसे लेफ्ट करना है, राइट करना है, आप जहाँ पर भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर रहने देता हूँ। ऊपर करना है, नीचे करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे पैर मेरा आप देख सकते हैं यहाँ पे कटा हुआ है, तो मैं इसे नीचे ही रखूँगा जब तक कि पैर यहाँ पे ऊपर की तरफ ना देखे, ठीक है। तो इतना पीछे रख लेते हैं। इसकी मदद से भी आप इसे जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा जितना पे आप रखना चाहते हो। तो इतना पे सही है, परफेक्ट है एकदम यहाँ पे, ठीक है। ये लास्ट वाली इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इसे आप चेंज करना चाहें, आपके पास इससे परफेक्ट कोई भी इमेज हो तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको 3D लाइन पर क्लिक कर लें, क्लिक करना रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी इमेज से दिख जाएंगी, जो भी इमेज आपको लगाना हो उसे परफेक्टली ले लीजिएगा। जैसे मैं इस वाले इमेज को आपको लगा कर दिखाता हूँ, मैं इसे ऐड नहीं करूँगा बट मैं इसे लगा कर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है।
इमेज यहाँ पे परफेक्टली, ओह सॉरी यहाँ पे मैंने तो दूसरे वाले में ही इसे ऐड कर दिया, इसे 3 नंबर पे ऐड करना था, ठीक है। ये मैंने अभी दूसरे वाले पे ही ऐड कर दिया था यहीं पे, तो इसे ही सेट में कर लेते हैं। यहाँ पे 3 नंबर का जो है इस पर आ जाइएगा, और ये वाला इमेज जो है 3 नंबर का ये वाला, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ 3 लाइन पर क्लिक कीजिएगा, रिप्लेस कीजिएगा, और जो भी इमेज लगाना चाहते हो उसे सिंपली ले लीजिएगा। जैसे मैंने इस वाले इमेज को लिया है, नेक्स्ट करेंगे और फ्रेंड्स इमेज यहाँ पे लग चुकी होगी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे इमेज लग चुकी है, मैं अभी आपको इसे जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये हिल रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये वाली इमेज यहाँ पे देख सकते हैं परफेक्टली लग चुका है। तो अगर आप इसे चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो पहले से लगा हुआ था उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपके पास जो होगा उसे भी आप लगा सकते हैं, या फिर जो यहाँ पे लगा हुआ है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको क्या रखना है यहाँ पर। तो चलो मैं इसी को रहने देता हूँ, अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। हमारी ये स्टेटस बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, इस साइड में आ जाना है, यहाँ पे ग्रुप वाला जो ऑप्शन देख सकते हैं इस पर एक बार टैप कर लेना है। टैप करने के बाद ये वाला जो एरो देख सकते हैं इस पर क्लिक करना है। क्लिक करना है यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो सॉन्ग है, यही मैंने आपको बोला था कि सॉन्ग थोड़ा सा यहाँ पे कट रहा है, देख सकते हैं ये सॉन्ग जो है इससे हल्का सा यहाँ पे आगे में बच रहा है। तो आपको अगर इस सभी को कट करना है तो सिंपली यहाँ पे इस साइड में आ जाएगा, और एक एक को सिलेक्ट करके एक्स्ट्रा पार्ट जो भी होगा उसे कट करना होगा। तो इसे बेटर है कि ऐसे ही रहने देते, हल्का सा है कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर आप चाहे तो सॉन्ग भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए मैं इसे यहाँ से बैक कर देता हूँ। तो फिर हमारी स्टेटस जो है बनकर तैयार हो चुकी है। आपको मैं यहाँ पर प्ले करके नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे नोट वीडियो में सही से प्ले नहीं होता है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे नोट वीडियो काफ़ी फ़ोन में तो वर्क भी नहीं करता है, तो ये सही से यहाँ पे प्ले नहीं होता है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको प्ले करके नहीं दिखाऊंगा। बट आपने स्टार्टिंग में जो देखा उसी तरह से ये परफेक्टली बनकर तैयार हो चुका है। मैं जो यहाँ पे आपको बनाकर दिखाता हूँ वही स्टार्टिंग में लगाता हूँ प्रीव्यू के लिए, ताकि आपको सही से समझ में आ सके कि किस टाइप की स्टेटस वीडियो आप बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है, इसे एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जो ये रूट वाला ऑप्शन देख सकते हैं इस पर सिंपली टैप कर लेना है। टैप करने बाद ये ग्रीन वाला बटन जो देख सकते हैं इस पर आपको सिंपली टैप कर देना, फ्रेंड्स ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले किसी भी ट्यूटोरियल को मिस न करें। तो चले फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।